राजधानी रायपुर के महादेव घाट के भाटा गांव से बड़ा मामला सामने आया, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की चाकू मार के हत्या कर दी। प्रार्थी राहुल ने बताया कि महादेव घाट में रहने वाले साहू परिवार में कुल चार भाई थे। इसमें से मृतक चंदन साहू हर दिन शराब पीकर घर आता था और घर में विवाद करता था, जिसके चलते परेशान होकर आरोपी डोमन साहू ने लड़ाई झगड़े के बीच चाकू मार के अपने भाई चंदन साहू की हत्या कर दी। मामला पुरानी बस्ती थाना में दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ कर रही है। चार तारीख की घटना है, चार तारीख की रात्रि लगभग 1 बजे जो अपना महादेव घाट रोड भाटा गांव में एक परिवार रहता है, साहू फैमिली है, जिसमें चार भाई हैं टोटल उन लोग, और जो मृतक चंदन साहू और उसका भाई जो उससे बड़ा जस्ट भाई है डोमन साहू, दोनों आपस में भाई हैं, सौतेले भाई हैं। चंदन साहू लगातार शराब पीकर परिवार में कई चीज़ों को लेकर के विवाद करते रहता था, जिसके कारण डोमन साहू ने उनका हत्या कर दिया, ऐसा उनके एक भाई जो प्रार्थी राहुल है उसने बताया है। और इसमें अभी राहुल जो आरोपी डोमन साहू उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, विस्तृत जानकारी पृथक से भी जारी की जाएगी। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।